फाइनली हेलो सीरीज़ के सीज़न 2 अब कंप्लीट रिलीज़ हो चुका है और मैं सीज़न 2 को पूरा देख चुका हूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी ने इसका सीज़न 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखो, क्योंकि सीज़न 1 की कहानी को कंटिन्यू रखा गया है सीज़न 2 में। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सीज़न 2 में भी आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और हर एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट तक की है। और अभी सीज़न 2 को हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया है, पर मैं सीज़न 2 को देख चुका हूँ और मैं आप लोगों को इस क्विक रिव्यू के ज़रिए मेरे सीरीज़ के सीज़न 2 को देखकर अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा वो शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि सीज़न 2 में सीज़न 1 की ही कहानी को कंटिन्यू किया जा रहा है। सीज़न 2 में भी आप देखोगे कि इंसान और उनके दुश्मन एलियन दोनों को तलाश है हेलो की। हेलो स्पेस में छुपा हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको एंशिएंट लोगों ने अपने दुश्मन को ख़त्म करने के लिए बनाया था, और अब इंसान और एलियंस दोनों हेलो तक पहले पहुंचना चाहते हैं ताकि वो हेलो को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसी स्टोरी लाइन को सीज़न 2 में आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। और पहले ही क्लियर कर दूं कि हेलो गेम सीरीज़ मैंने नहीं खेली है, तो मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकता कि इस सीरीज़ में गेम की स्टोरी को कितने अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, ये सीरीज़ गेम सीरीज़ के फैंस को कितनी पसंद आएगी और कितनी नहीं, मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ओवरऑल मुझे इसका सीज़न 1 पसंद आया था। अब सीज़न 2 भी एक डिसेंट वे में फॉलो करता है सीज़न 1 की कहानी को। कहानी ने मुझे एंगेज करके रखा था और स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सीज़न 2 में हमें काफ़ी अच्छे एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। खासकर एपिसोड 4 तो एक्शन से भरा पड़ा है। एक्शन देखकर आपको सीरीज़ में वाकई मज़ा आएगा। एक्शन इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है जो कि देखने में अच्छा लगता है। और कहानी भी सीज़न 2 के एंड के एपिसोड्स में ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर सीज़न 2 को ख़त्म किया गया है। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि सीरीज़ का सीज़न 3 भी आए। बाकी सभी एक्टर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कहानी और करेक्टर्स में इमोशनल एंगल की बस थोड़ी सी कमी है, और इस सीरीज़ का म्यूज़िक और प्रोडक्शन वर्क अच्छा है। तो ओवरऑल मैं इस सीरीज़ को रेट करूँगा 7 out of 10 स्टार्स। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी और रिव्यूज़ देखने के लिए।